पीजी बाय सेंटर कॉलेज पर में नंबर 11 है बेटा। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, देखो दो बिंदु है ए बी, ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे। देखो उसने कहा है दो बिंदुओं पर उसने समान कोण अंतरित किया है, लिखा है कोण एसीडी बराबर कोण एडीबी, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो चारों बिंदु एक ही वर्ग पर स्थित होते हैं, कौन कौन से बिंदु है ए बी सी और डी, ये बता रहे हैं चारों एक ही बिंदु पर स्थित है, ठीक है। सिद्ध करना है बिंदु ए बी सी तथा डी एक ही वर्ग पर स्थित है। देखो रचना करेंगे, तीन अरेखीय बिंदु ए बी तथा सी से होकर जाने वाला एक वर्त खींचा, उपपत्ति में लिखा है माना बिंदु डी, ये बताया कि बिंदु डी ए बी सी से होकर जाने वाले वर्त पर नहीं है, इसलिए यह वर्त ए डी को, देखो इस वाली रेखा ए डी को या तो ए डी डैश पर काटेगा या ए डी डबल डैश पर काटेगा, ठीक है। कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी डैश बी, देखो ये ए सी ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, क्योंकि एक वर्त खंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, कल बताया था तुमने, ऐसे ए सी बी बराबर हो गया ए डी डबल डैश बी। अब देखो ये दोनों इसमें ये भी बराबर है ए सी बी और ये भी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये लिखा है आपने देखो संबंध फर्स्ट और सेकंड से, कोण ए डी बी बराबर ए डी डबल डैश बी ए सी बी, लेकिन हमें ज्ञात में लिखा हुआ था कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी, तो ए सी बी की जगह पे क्या आ गया ए डी बी। अब ये तीनों कोण बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर और ये इसके बराबर, आगे लिखेंगे, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी व डी से होकर एक ही वर्त खींचा जा सकता है।